Good morning, children. Yesterday, we have learned about data handling in which we have done tabular form and bar graphs, the methods of presentation of data, and we also learned how to draw. बार ग्राफ आई हैव चेक्ट सम स्टूडेंट्स होमवर्क एंड देर आर समस्टेक्स इन मेकिंग बार ग्राफ्स सो आई वॉन्ट टू डिस्कस दैट दैट मिस्टेक्स विद यू स्टूडेंट्स ग्राफ बनाने के लिए First and important thing is that you should have a graph paper. आपके पास graph paper होना जरूरी है. Graph paper के बिना इसको draw करोगे तो it is difficult for you to draw, right? So first of all we have to take axes. There are two axes. Graph के लिए हमने सबसे पहले two axes draw करनी है. दो ही axes होते हैं. फर्स्ट एक्सिस होता है एक्स एक्सिस सेकेंड एक्सिस होता है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस जो है हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एंड वाई एक्सिस जो है वर्टिकल लाइन होती है एंड द सेकेंड थिंग इज ऑन एक्स एक्सिस वी विल टेक फर्स्ट वेरिएबल फर्स्ट बॉक्स में क्या था वहीकल एक्स एक्सिस पे हमने ये वहीकल जो है इसको एक्स एक्सिस को लेबल करना ही करना है इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक्स एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो और वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हो एक्स एक्सिस पे आप लोगे व्हीकल्स वाई एक्सिस पे लोगे नंबर ऑफ पीपल क्लियर अगर आप एक्स एक्सिस पे ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को लेबल नहीं करोगे देन योर ग्राफ इज इनकरेक्ट तो कैसे पता चलेगा कि आपने एक्स एक्सिस पे ये क्या लिखा हुआ है क्या चीजें हैं ये ये व्हीकल है यहाँ से पढ़ के हम क्लियर कर सकते हैं कि दीज आर व्हीकल्स एंड यहां से वाई एक्सेस की लेबलिंग से पता चलेगा कि यहां नंबर ऑफ पीपल हम प्रेजेंट कर रही हैं राइट सो इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस को लेबल जरूर करो राइट एंड सेकेंड थिंग इज दैट डिफरेंस बिटवीन टू बार शुड बी इक्वल जब भी दो बार आपने ड्रॉ करनी है उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो जो टेन बॉक्सेस का एक टेन पार्टीशन का एक बॉक्स है आप वो टेन पॉइंट छोड़ के एक स्केयर बॉक्स छोड़ के नेक्स्ट बार ड्रॉ कर सकते हो नेक्स्ट फिर वन स्केयर बॉक्स छोड़ोगे देन नेक्स्ट बार राइट ऐसे करते हुए आपको आपके पास सेम गैप आएगा डिफरेंट डिफरेंट बार्स के बीच में अगर आप ए दो बार्स के बीच में ज़्यादा गैप छोड़ रहे हो दो के बीच में कम गैप छोड़ रहे हो दैट इज़ इनकोरेक्ट राइट एंड एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू शो इट्स स्केल स्केल शो करना है जैसे कि टेन ब्लॉक्स हैं ग्राफ के टेन ब्लॉक्स होते हैं टेन ब्लॉक्स इज इक्वल टू वन व्हीकल टेन ब्लॉक्स में आपने एक व्हीकल अज्यूम किया है फिर टेन ब्लॉक्स का गैप छोड़ा है एंड फिर टेन ब्लॉक्स इज इक्वल टू वन व्हीकल ऑलवेज इट्स इक्वल टू टेन ब्लॉक्स इज इक्वल टू दिस वेरिएबल जो भी यहाँ पे होएगा उसके इक्वल आपने टेन ब्लॉक्स मैंशन करनी है राइट दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड टू ड्रॉ A graph on graph paper, right? Now, page number 199, we will do sum number 7 and 8. These sums are of your homework. I have given these sums to you for homework. So, I will explain these so match your answers sum number 7 is complete the tally table yesterday i have explained how to mark tally bars or tally marks there are four columns it is a table form under first column we have serial number second column we have shirt size third column we have tally marks and under fourth column we have frequency how to रीड दिस टेबल फोर्टी टू नंबर की फोर्टी टू साइज़ की जो शर्ट है उसके आप या फ्रीक्वेंसी मीन्स के ये नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है तो फोर्टी टू साइज़ की शर्ट सिक्स टाइम्स रिपीट हो रही है एंड फोर्टी साइज़ की शर्ट सेवन टाइम्स रिपीट हो रही है थर्टी एट साइज़ की शर्ट नाइन टाइम्स रिपीट हो रही है एंड थर्टी नाइन सॉरी थर्टी फोर साइज़ की शर्ट एट टाइम्स रिपीट हो रही है एंड फोर्टी फोर साइज़ की शर्ट टू टाइम्स रिपीट हो रही है नाउ वी विल लर्न हाउ टू शो मार्क्स सिक्स देर आर सिक्स इन फ्रीकुंसी वी विल शो टेली मार्क्स एज वन टू थ्री फोर And fifth is in diagonal form and one, six, seven. Next is seven. One, two, three, four, five, six, and seven. Next is nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Next is eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Next is two. One, two. Clear? next is sum number 8 complete the tally table it is also in the form of table we have serial numbers shirt size tally marks and frequency in sum number 8 we have to find its frequency by counting tally marks let us do 1 2 3 4 5 6 and 7 frequency of one size shirt is seven. Second, two size shirt key frequency one, two, three, and four. Third size shirt key three size shirt key frequency one, two, three, four, five. One, two, three, four, five. 5, plus five 10 Next, fourth size shirt key frequency one, two, three, four, five, and one, six. Next. 5 size shirt key 1, 2, 3, 4, and 5. So 1 size shirt key frequency 7, 2 key 4, 3 ki 10, 4 key 6, and 5 key 5. Clear? So match your answer with with this solution. Next, move to the page number 200, sum number 9. It's also a table form. First, under first column we have serial number then games then tally marks and last is frequency there are 5 games football cricket badminton hockey and tennis and frequency 6 7 9 12 and 10 we have to mark its tally bars football game football game ki frequency hai 6 so we will show its tally mark as one two three four And 5th is in diagonal form. And 6. Right? 7 key. one two three four five six and 7. 9 key. one two three four five six seven eight and 9. 12 key. one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve Next 10 is key. 10, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन क्लियर आई हैव सॉल्व सम नंबर सेवनथ एट्थ एंड नाइन्थ नाइन्थ विच वर योर होमवर्क जो होमवर्क में मैंने सेवन एट नाइन सम दिए थे वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं मैच योर आंसर्स विद दी सॉल्ड सम्स टूडे वी विल लर्न अबाउट पाई चार्ट एंड लर्न हाउ टू रीड पाई चार्ट बिफोर डूइंग सम्स बेस्ड ऑन पाई चार्ट वी शुड हैव नॉलेज ऑफ पाईचार्ट के पाई चार्ट होते क्या हैं पाई चार्ट क्या है इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ ग्राफ की ही टाइप है इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इंटू सेक्टेड इन टू सेक्टर्स दैट ईच रीप्रजेंट अ प्रपोर्शन ऑफ द होल पाईच क्या होते हैं ग्राफ की ही एक टाइप है जिसमें सर्कल को हम डिफरेंट डिफरेंट प्रपोर्शन में डिवाइड करते हैं जो कि एज दैट ईच रीप्रजेंट अ प्रपोर्शन ऑफ द होल जो कि हर एक सेक्टर है हर एक पार्ट है वो पूरे सर्कल के सर्कल में एक प्रपोर्शन को रिप्रेजेंट करता है पाई चार्ट को हम क्या बोलते हैं सर्कल चार्ट भी बोलते हैं पाई इज सर्कुलर इन शेप पाई क्या होता है शेप में सर्कल की फॉर्म में होता है इट्स लाइक अ डिस्क जैसे डिस्क होती है सीडी डिस्क वैसे ही सेम फॉर्म में होता है एंड टुडे नेक्स्ट वी हैव सम नंबर फोर्थ लुक एट दिस पिक्चर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पाई चार्ट इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इट्स अ सर्कल कंप्लीट एंगल इज ऑफ थ्री सिक्सटी डिग्री इट्स अ टाइप ऑफ ग्राफ इन विच अ सर्कल इज डिवाइडेड इन टू सेक्टर्स दैट रिप्रजेंट अ पोर्शन ऑफ द होल के जो ये एक प्रपोर्शन है ये पूरे सर्कल को रिप्रजेंट करता है स्टेटमेंट इज The given circle represents the different types of pets in the society. Answer the following question with the help of pie chart given below. This is a pie chart. First question is Which is the most popular pet? the most popular pet? We can find the most popular pet with the help of this pie chart. The maximum proportion of

Which two pets are equally popular? Equally popular kaun se two pets? We will check the proportion. Parrot and fish both have equal proportion. So parrot and fish are equally popular. Under sum number fourth, no need to draw this pie chart. Fourth sum ki under. आपको इस पाई चार्ट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज गिवन इन योर बुक जस्ट राइट डन क्वेश्चन विद आंसर क्लियर नेक्स्ट फिफ्थ इज इन द गिवन फिगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम ऑफ अ स्टूडेंट ऑन वेरियस एक्टिविटीज इज शोन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर ऑब्जर्वेशन इट इज अ पाई चार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम ऑफ अ स्टूडेंट किसी स्टूडेंट के टाइम की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की गई है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटीज़ के कोई स्टूडेंट स्टडी में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है आर्ट में कितना टाइम स्पेंड कर रहा है स्पोर्ट पे कितना टाइम स्पेंड कर रहा है लाइब्रेरी में म्यूजिक में एंड गेम्स में नाउ वी विल चेक इट्स क्वेश्चन फर्स्ट इज ऑन विच एक्टिविटी डज ही स्पेंड मोर देन हाफ़ टाइम हाफ टाइम से ज़्यादा किस पे वो अपना टाइम स्पेंड करता है तो दिस पोर्शन स्टडी शोज़ मोर देन हाफ पार्ट स्टडी में जो है हाफ से भी ज़्यादा पार्ट शो हो रहे हैं सो इन स्टडीज़ ही स्पेंड्स मोर देन हाफ टाइम आंसर इज ऑन विच एक्टिविटी इन स्टडीज़ ही स्पेंड्स मोर देन हाफ टाइम स्टडीज पे वो हाफ से भी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं बी पार्ट ऑन विच एक्टिविटी डज ही स्पेंड द लीस्ट टाइम किस एक्टिविटी में वो सबसे कम टाइम स्पेंड कर रहे है? तो कौन सी एक्टिविटी है जो सबसे कम शो हो रही है इट्स लाइब्रेरी यू कैन राइट ही स्पेंड्स द लीस्ट टाइम ऑन लाइब्रेरी एक्टिविटी सी पार्टीज ऑन विच टू एक्टिविटीज़ डज ही स्पेंड डज़ ही स्पेंड सेम टाइम किन दो एक्टिविटीज़ में सेम टाइम स्पेंड कर रहे हैं कौन सी टू एक्टिविटीज़ हैं जिसमें वो सेम टाइम स्पेंड कर रहे हैं ही स्पेंड्स सेम टाइम ऑन स्पॉट एंड म्यूजिक एक्टिविटीज नेक्स्ट लास्ट सम इज सम नंबर सिक्स देयर आर डिफरेंट गेम्स प्लेड बाय प्लेड बाय द स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस this is a graph which shows different games cricket tennis badminton hockey and football first is which games are the most popular कौन सी गेम सबसे ज्यादा प populer है तो जिस इस pie chart में सबसे ज्यादा part किस गेम का show हो रहा है is the most popular games are cricket and football बिकॉज दीज टू पोर्शन्स आर ग्रेटर दैन दीज गेम्स इज विच गेम इज द लीस्ट पॉपुलर सबसे कम पॉपुलर कौन सी गेम है जिसका परपोर्सन सबसे कम है टेनिस का द लीस्ट पॉपुलर गेम इज टैनिस सी पार्ट विच गेम इज प्लेड बाई द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कौन सी गेम है जो सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्ले करते हैं cricket and football game is played by same number of students A, b and c part i will explain its answer so students complete sum number 4 5 and 6 write answers of these sums in your notebook number 1 and no need to draw पाई चार्ट्स इन योर नोटबुक आपने जस्ट क्वेश्चन नंबर फोर फाइव एंड सिक्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखने हैं और ये पाई चार्ट ड्रॉ नहीं करनी क्लियर इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू हाउ टू पार्ट्स दीज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि इन पार्ट्स को कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर राइट थैंक यू